आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। संधि न होने के बाद कृष्ण संधि से निराश होकर पांडवों के शिविर में लौट आए। दुर्योधन का उत्तर सुनकर भीमसेन और अर्जुन आदि पांडव पक्ष के योद्धा क्रोध में आ गए। समर का निश्चय हो गया। सेनापतियों से युद्ध संवाद समस्त सेना में प्रचारित हो गया। वीरों की बाहें फड़क उठी। पांडवों के पक्ष की कुल 7 अक्षौहिणी सेना थी, जिसके सात्यक, भीम, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, विराट, श्वेत, शिखंडी, चेकितान आदि सेनापति थे। ये सब युद्ध के लिए पूरे उत्साह से तैयारी करने लगे। दुर्योधन के दल में भी शिथिलता न थी। संख्या में ये लोग पांडवों से अधिक थे। इनकी 11 अक्षौहिणी सेना थी। सरदार भी पांडवों के पक्ष से अधिक थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, कृतवर्मा, भूरी, श्रवा, बाह्लीक, शकुनी और भगदत्त आदि अनेक महारथी थे। फिर भी अर्जुन की प्रशंसा और कृष्ण की बुद्धि की याद कर दुर्योधन बहुत व्याकुल हुआ। रात्रि के समय अपने मित्रों में युद्ध के संबंध में बातचीत करने लगा कि समस्त सेना का अधिनायक किसे बनाया जाए। महावीर भीष्म की तरफ अधिक लोकमत हुआ। कर्ण ने कहा, मित्र, जब तक पितामह युद्ध क्षेत्र में रहेंगे मैं अस्त्र धारण ना करूंगा, क्योंकि इनके अधीन रहना मैं अपना अपमान समझता हूँ। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली। समझाया भी कि वृद्ध पितामह का अपमान अन्य समस्त वीरों को सहय न होगा। पितामह भारत सम्मान सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। यद्यपि दुर्योधन कर्ण को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कर्ण सगर्व स्थिर हुए। दुर्योधन महावीर भीष्म के यहाँ प्रधान सेनापतित्व का मुकुट लिवाकर चला। भीष्म ने बड़े स्नेह से दुर्योधन तथा समागत अन्य कौरव और सेनापतियों को बैठाया। दुर्योधन पितामह से विनयपूर्वक अपना अभिप्राय कह चले। कथन समाप्त होने पर पितामह ने कहा, वत्स, हम सेनापतित्व के लिए तैयार हैं, परंतु हमारी दृष्टि में तुम और पांडव दोनों हमारे वंशधर और प्रिय पौत्र हो। माता सत्यवती से हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि इस वंश को कोई क्षति मेरे द्वारा ना पहुंचेगी, अतः पांडवों की जीवन हानि हम न कर सकेंगे, लेकिन यूं तुम्हारी प्रीति के लिए हम सहस्त्र योद्धाओं का वध करेंगे। इसी समय भगवान व्यास धृतराष्ट्र से मिलने हस्तिनापुर आए। युद्ध की तैयारियां देखकर बहुत क्षुब्ध हुए, परंतु प्रबल भावी को देखकर चुप हो गए। धृतराष्ट्र ने व्यास जी के चरण भूमि ले आसन पर बैठा कर कहा, भगवन, मैं अंधा हूं, ये जातीय महासंहार देखने से बच रहा, फिर भी वीरों की वीरता सुनने की बड़ी इच्छा है। मृत्यु के समय अपने वंश की वीरता की ही याद करके मरूंगा। आप कोई ऐसा वर कृपा करके दें जिससे होते हुए युद्ध का वर्णन मैं यहीं बैठा हुआ सुनूं। भगवान व्यास ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें ऐसा ही वर देता हूं। संजय को मेरे योग बल से दिव्य दृष्टि होगी। वो यहां बैठे हुए समस्त युद्ध देखेंगे और तुमसे वर्णन करेंगे। ये कहकर परमात्मा का स्मरण करते हुए महाकवि महर्षि व्यास वहां से चले। प्रातःकाल कौरव और पांडवों की सेनाएं सेनापतियों के रचित व्यूह के अनुसार खड़ी हो गई, जैसे समुद्र पर मालाकार उठी हुई अगणित तरंगे हों। कौरवों की तरफ सामने महावीर भीष्म प्रधान सेनापति, पांडवों की तरफ महावीर अर्जुन, दोनों ओर सेनाओं में अपार शांति विराजित हुई। सेनाएं निश्चेष्ट चित सेनापति की आज्ञा की प्रतीक्षा करती हुई। भगवान कृष्ण चपल अश्वों की रश्मि पकड़े महाभाव में निस्पंद महावीर पवन पुत्र उद्योग पर बैठे हुए पताका फहराती हुई। भीष्म पर्व, भीष्म का युद्ध। महावीर अर्जुन व्यूह में खड़ी पांडव सेना के अग्रभाग में नंदी घोष रथ पर बैठे हुए विशाल कौरव वाहिनी को देखते रहे। हृदय में किंचित मात्र भय न हुआ, फिर भी युद्ध वाला उत्साह न रहा। देखा कि महारथ भीष्म पितामह कौरव वाहिनी के प्रधान नायक अग्रभाग में स्थित हैं। उनके विशाल स्वर्ण रथ के पार्श्व में रथी दुशासन है। कुछ दूर पर मुक्ताओं की झालरदार मणि और लालों से जुड़े सुंदर रथ पर कौरव राज दुर्योधन है। पास आचार्य द्रोण और अश्वत्थामा। एक एक करके अर्जुन ने सभी कौरवों
और आमंत्रित संबंधियों को देखा। साथ साथ ये विचार पैदा हुआ कि ये सब अपने ही भाई और कुटुंब है, युद्ध इन्हीं के साथ है, युद्ध का परिणाम मृत्यु है, अपने जनों की मृत्यु। जिस राज्य के लिए ये युद्ध हो रहा है वो भाइयों की मृत्यु से प्राप्त होगा, ऐसे राज्य को लेकर क्या होगा? ये राज्य तो वास्तव में तब तक शमशान हो जाएगा। महावीर पार्थ इस परिणाम पर कांप उठे। स्वजनों की मृत्यु से स्त्रियां विधवा होंगी, व्यभिचार बढ़ेगा, वर्ण शंकर पैदा होंगे, पितरों के तर्पण श्रद्धादि लुप्त होंगे, दोनों लोक भ्रष्ट होंगे, अधर्म फैलेगा, फिर युद्ध अधर्म का परिणाम होगा। ऐसा कदापि उचित नहीं। ये विचार करते ही महावीर पार्थ का उत्साह जाता रहा। स्नेह से दुर्बलता, दुर्बलता से हृत्कल्प, हृत्कप से भय, स्वेद, नैराश्य, निर्वीयता आदि जारी हो गए। गांडीव हाथ से छूटकर गिरने को हुआ। ऐसे समय कृष्ण ने उनकी ओर देखा। उन्हें मोह की स्थिति में देखकर कृष्ण को आश्चर्य हुआ। ऐन मौके पर ऐसे शिथिल क्यों पड़े? पूछने पर अर्जुन ने युद्ध से होने वाले परिणाम की तस्वीर खींचते हुए कहा, ऐसा युद्ध करना अधर्म है, इसी चिंता से मैं दुर्बल पड़ गया हूँ। भगवान कृष्ण ने उन्हें उनका धर्म समझाया और गीतोपदेश दिया। कर्म योग की महत्ता के साथ धर्म की सूक्ष्म बातों का ज्ञान हो जाने पर भी अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम धाता नहीं हो, निमित्त हो, तुम्हारा किया कुछ न होगा, होनी पहले ही हो चुकी है, तुम्हें केवल अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार चलना और इस युद्ध से यशस्वी होना है। अधर्म के कारण कौरवों का नाश हो चुका है, युद्ध उसी का निमित्त है, तुम्हें विश्वास न हो तो देखो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया। वो विराट रूप देखकर अर्जुन कांपने लगे। देखा जैसे जलती हुई एक विशाल लौ की ओर चारों ओर से कीड़े आते और समाते हुए भस्म होते रहते हैं, उसी तरह समस्त कौरव हो रहे हैं, कृष्ण के मुख में उसी तरह समा रहे हैं जैसे सैकड़ों हजारों लाखों नद नदियों का प्रवाह। अर्जुन को होश हुआ और भगवान कृष्ण की उन्होंने स्तुति की। श्री कृष्ण का ये कहना कि आत्मा अमर है, इसके लिए शोक करना उचित नहीं, अर्जुन अच्छी तरह समझे और भगवान में कर्म फल का विसर्जन कर युद्ध को धर्म समझकर गांडीव धारण किया। मित्र की स्फूर्ति देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। युद्ध का प्रारंभ देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से नारा गया। वो आवेश में आकर रथ से उतरकर कौरव वाहिनी की ओर पैदल चले, जिधर भीष्म पितामह का महारथ शोभित था। महाराज युधिष्ठिर की ये मनोगति देखकर पांडवगण चंचल हो उठे, अपने अपने रथ से उतरकर धर्मराज का पश्चादवर्तन करने लगे। भीम को शत्रुओं के सम्मुख इस प्रकार नत होते बड़ी लज्जा लगी और वो हृदय से बहुत आहत हुए। अर्जुन को भी धर्मराज का ये आचरण अच्छा न लगा। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा भी, महाराज इस प्रकार आसन्न युद्ध के समय खाली हाथ और पैदल आप शत्रुओं के बीच जा रहे हैं। भीमसेन ने कहा, महाराज आप हमें लज्जित कर रहे हैं। नकुल और सहदेव ने कहा, महाराज आप हमें छोड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं। धीर धर्मपुत्र ने किसी को कोई उत्तर न दिया, सीधे भीष्म के रथ की ओर चलते गए। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, आप लोग कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, धर्मराज युद्ध में भी धर्म की बढ़ाई देने जा रहे हैं, गुरुजनों को प्रणाम करने के उद्देश्य से। युधिष्ठिर को आते हुए देखकर कौरवों में भी तरह तरह की कपोल कल्पनाएं चलने लगी। किसी ने कहा, युधिष्ठिर पहले से ही डरपोक है, हमारी सेना देखकर घबराया है। किसी और ने कहा, हाँ इसीलिए भीष्म के सामने जा रहा है, जान बख्शवाने की मोहलत दीजिए तो हम लोग फिर वन चले जाएं। किसी ने कहा, बड़ा चालाक है, पितामह को मिलने जा रहा है, जानता है पितामह की बराबरी का शूर कोई नहीं है, लोहे के चने होगी लड़ाई थोड़ी देर में, कहीं अर्जुन ही काम ना आ जाए, इसलिए कहने जा रहा है कि कृपा दृष्टि रखें। महाराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के रथ के सामने आए, तैयार चतुरांगिनी सेना के बीच में बैठकर निरस्त्र धर्मराज ने पितामह भीष्म के पैर पकड़ लिए। नाती की मनोवृत्ति से प्रसन्न होकर महामति भीष्म ने आशीर्वाद दिया, वत्स तुम्हारी जय हो,
माता योजनगंधा के पास हम पहले से प्रतिशुभ हैं कि राजा का पक्ष लेंगे, इसलिए इधर ही से हमें युद्ध करना होगा। परंतु तुम निश्चिंत रहो, धर्म की शक्ति अजेय है और अर्जुन शक्ति संचय में हमसे भी आगे बढ़ गया है। हमारी इच्छा मृत्यु है, हम समय पर ही प्राण त्याग करेंगे। तुम्हें इसके बाद आने का समय प्राप्त होगा तो आना, तब हम तुम्हें धर्मोपदेश करेंगे। चिंता ना करो, तुम्हारे सहायक कृष्ण हैं, विजय तुम्हारी ही होगी। धर्मराज वहां से आचार्य द्रोण के पास गए और वहां से कृपाचार्य के पास। ब्राह्मणों ने भी युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दिया। गुरुजनों को प्रणाम कर युधिष्ठिर कौरव वाहिनी के बाहर आए। इनकी धर्म नीति देखकर धृतराष्ट्र के औरस और वैश्या के गर्भ से पैदा हुआ युयुत्सु कौरवों की सेना से निकलकर पांडवों में आ गया। उसे हृदय से लगाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई तुम दादाजी के धार्मिक पुत्र हो, समय पर तुम ही उनके काम आओगे। युद्ध की भेरी बजी। दोनों ओर के सेनापतियों ने शंख बजाकर अपनी अपनी सेना को सजग किया। हर मौके के सेनापति रथी, गजारोही, सवार और पैदल शूर सामंत सामने देखने लगे। महावीर पार्थ पंचजन्य फूंक कर अपनी सेना को कौरव वाहिनी के आक्रमण से होशियार करते हुए एक दृष्टि से महावीर भीष्म की गतिविधि देखने लगे। दुशासन के साथ भीष्म के सामने बढ़ते ही महाबल भीष्म ने सिंहनाद किया और दुशासन को रोका। अर्जुन बाजू से भीष्म पर आक्रमण करने लगे। भीष्म किनारे से ही अर्जुन के तीर काटते हुए दुशासन की सहायता करते रहे। भीम बहुत दिनों से क्रुद्ध समय की प्रतीक्षा में थे। एकाएक सिंह विक्रम से शत्रु पर टूटे। उस प्रलय के तूफान का वेग दुशासन के लिए संभालना दुष्कर होता अगर महारथ भीष्म सहायता न करते होते। भीष्म की क्षिप्रता देखने लायक थी। एक ओर महावीर अर्जुन के अव्यर्थ प्रखर तीरों को काटते थे, दूसरी ओर मुहुर मुहुर दुशासन पर होते हुए भीम के प्रहारों को रोककर उसे बचाते थे। ये जैसे दुधर्प भीमार्जुन के साथ अकेले भीष्म का समर था। महासमुद्र की उठती तरंगों की तरह दुर्जय पांडव सेना सुदृढ़ कौरव सैन्य तट को बार बार तोड़ने का उद्यम कर रही थी। साथ ही भीम प्रबंजन का काम करते हुए सेना को सिंहनादों से प्रोत्साहित कर भीष्म बढ़ते हुए देखते देखते दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरों से भिड़ गई। हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़ा, पैदल से पैदल घमासान समर होने लगा। धनुषों की टक्कर, हाथियों की चिंघाड़, घोड़ों की टाप और हिनहिनाहट, रथों का घटानाद, वीरों का सिंहनाद और रथियों की शवध्वनि चारों ओर छा गई। साथ ही ऐसी गर्द उठी कि सामने लड़ने के सिवाय सेना को अपने पराये का ज्ञान न रहा। दोनों ओर काफी सेना काम आ गई। भीष्म से अर्जुन, दुर्योधन से भीम, मद्रराज से युधिष्ठिर, भगदत्त से विराट और कृतवर्मा से सात्विक लड़ रहे थे। युद्ध का तीसरा पहर आने को हुआ। पांडव प्रबल ही पड़ते गए। देखकर भीष्म ने सारथी को रथ बढ़ाने के लिए कहा, दुशासन और रथी सहायकों को अर्जुन को रोकने के लिए कहकर। भीष्म का रथ चक्कर काटने लगा। अर्जुन मतलब समझ गए। भीष्म का पीछा करना चाहते थे पर कई रथी उन्हें रोके हुए थे। भीष्म ने देखा पांडवों के व्यूह के एक भाग की सेना बढ़कर दूसरे भाग की सहायता कर रही है, इसलिए ये भाग कमजोर है। सिर्फ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु इस भाग की रक्षा कर रहा है। थोड़ी सी सेना लिए हुए भीष्म ने उसी भाग पर आक्रमण किया। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पिता के समान वीर था। उसने महारथ भीष्म की गति रोकी। दोनों ने बाण वर्षा होने लगी। अभिमन्यु भीष्म से भी अधिक क्षिप्रहस्त था। उसने देखते देखते भीष्म का धनुष काट दिया और कई तीर मारे। दूसरा धनुष लेकर भीष्म ने अभिमन्यु के सारथी को घायल कर दिया। उत्तेजित अभिमन्यु ने तत्क्षण भीष्म के विशाल रथ के ध्वज दंड काट दिए, जिनमें बहुमूल्य रत्नाभूषण लगे हुए थे। सेनापति के पताकाओं के गिरते रथ दूर से ही पहचाना जाने लगा। इससे कौरव दल में हाहाकार मच गया। कई रथी बढ़कर भीष्म को खोजते हुए पहुंचे और एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार करने लगे। इस समय तक अभिमन्यु के प्रहारों से वृद्ध पितामह अत्यंत उत्तेजित हो गए थे। बालक की क्षिप्रता असह्य हो रही थी। अभिमन्यु को कई रथियों से घिरा देखकर पांडव सेना ने पुकार की। पास के रथी सहायता के लिए बढ़े। अभिमन्यु कौरवों के सभी रथियों से लड़ रहा था, यथावश्यक दोनों हाथों शरसंधान करता हुआ। भीष्म आश्चर्यचकित थे।
इतनी तेजी उन्होंने अर्जुन में भी न देखी थी। पहले पहल अभिमन्यु को लड़ते देखा था, अब तक 10 रथी अभिमन्यु की सहायता के लिए आ गए। भीम, उत्तर कुमार आदि विराट पुत्र उत्तर को उधर से बढ़कर शल्य ने रोका। दोनों में युद्ध होने लगा। उत्तर हाथी पर था, शल्य का तीर लगते ही हाथी बिगड़ गया और शल्य के घोड़ों को मार डाला। शल्य को इस पर क्रोध आ गया और बैठे ही बैठे उन्होंने एक ऐसी शक्ति मारी कि वो उत्तर के वर्म को पार करके हृदय में समा गई। वही उसी वक्त उत्तर कुमार काम आ गए। फिर शल्य ने उत्तर के हाथी को भी मार डाला और कृतवर्मा के रथ पर जाकर बैठे। इस घटना से पांडव सेना शोकाकुल होकर अनमनस्क हुई कि भीष्म ने बहुत सी सेना का संहार कर डाला। बड़े वेग से कौरवों की सेना ने विपक्ष पर आक्रमण किया। पांडव सेना व्यूह छोड़कर हटने और कटने लगी। संध्या हो रही थी। समय जानकर अर्जुन ने युद्ध बंद करने का शंख बजाया। उधर भीष्म ने भी शंख ध्वनि से युद्ध समाप्ति की सूचना दी। लड़ाई बंद हो गई। दोनों पक्ष की सेनाएं शिविर को लौटी। प्रिय संबंधी की मृत्यु से पांडव विस्मण हो रहे थे। कौरवों में बड़ी खुशी थी। दुर्योधन फूला न समा रहा था। युद्ध में विजय पाने की उसकी आशा बुद्धमूल हो चली। वो अपने भाइयों के साथ सुरापान करके आनंद मनाने लगा और बार बार भीष्म पितामह के युद्ध कौशल की प्रशंसा करते हुए कि किस तरह वो शत्रु सेना विनाश का मौका देखकर फिर रहे थे, किस तरह एक बाजू से उन्होंने अभिमन्यु पर आक्रमण किया, किस किस तरह फिर क्या क्या हुआ। कुछ लोग शल्य की प्रशंसा के पुल बांधने लगे कि मामा पूरे मामा हैं। हाथी से मजाक किया, जब इसने इनके घोड़े मार दिए तब इन्होंने उसके मालिक को मार गिराया और फिर उसको भी उसी रास्ते भेज दिया। मजा ये कि ये सब बिना घोड़ों के रथ पर बैठे बैठे किया। काम समाप्त कर इत्मीनान से उठकर दूसरे रथ पर गए। पांडव सतप्त थे, सेना में भय, युधिष्ठिर हताश, भीम और अर्जुन स्थिर, विराट अत्यंत शोकाकुल। युधिष्ठिर ने कृष्ण से विनयपूर्वक कहा, यादवपति, आज के युद्ध को देखकर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है कि पितामह अजेय हैं। इनके सामने हमारे पक्ष का कोई महारथी नहीं टिक सकता। आज पिछले पहर उनका अपूर्व युद्ध कौशल देखकर ये अनुमान सच मालूम होता है कि युद्ध में हमारी ही हार होगी और हमारे सगे संबंधी इस प्रकार युद्ध में हव होने जा रहे हैं, तो फिर ये राजपाट लेकर हम क्या करेंगे। ऐसे राज्य से तो अपने प्रियजनों के प्राण और सुख अधिक मूल्यवान हैं, ऐसे राज्य से वन श्रेयस्कर है। अब हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं है। धर्मराज के आंसू निकल आए। कृष्ण गंभीर होकर बोले, महाराज, क्षत्रिय के लिए युद्ध में निधन शोचनीय घटना नहीं हो सकती। ऐसा शोक कापुरुषता का द्योतक है। उत्तर को वीरगति से स्वर्ग प्राप्त हुआ है। इस युद्ध का अर्थ केवल युद्ध नहीं, धर्म राज्य की स्थापना है। पांडवों और पांडव पक्ष वालों के लिए ऐसे युद्ध में प्राण खोना चिंताजनक बात नहीं हो सकती। रही जय की बात, ये निर्विवाद है कि पांडवों का धर्म पक्ष है, इसलिए हार की आशंका धर्म से नहीं, गणना से, भीमार्जुन के समकक्ष योद्धा कौरवों में नहीं। इसके अनेक प्रमाण अब तक प्राप्त हो चुके हैं। सेनापति धृष्टद्युम्न और सात्विक कौरवों के किसी भी महारथ से सरकश है। पुनः एक दिन में ऐसे युद्ध के भविष्य का निर्णय नहीं हो सकता। आप पीछे हटेंगे तो यह आपका धर्म से टिकना होगा, ये कदापि आपका कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। आप धैर्य से देखते चलिए, यदि ये भाव रखिएगा तो आपकी सेना का दिल और बैठ जाएगा और इसका परिणाम अधिक सेना नाश के सिवाय और कुछ न होगा। कृष्ण के कथन का धृष्टद्युम्न ने समर्थन किया। महाराज विराट को भी सांत्वना मिली और बदले के लिए वो युद्ध परिकर हुए। रात्रि प्रभात हुई। दूसरे दिन के युद्ध के लिए व्यूह रचना होने लगी। भीम और अर्जुन हतोत्साह सेना को आश्वासन और स्नेह शौर्य से उबार बढ़ने लगे। सूर्य के उगने से पहले दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने व्यूह में सेनापति की आज्ञा के अनुसार सन्निविष्ट हो गईं और युद्ध के लिए आदेश की बाट जोहने लगी। आज अर्जुन की और ही छटा थी। भीम से उनका निश्चय हो गया था कि वो पितामह की गति को रोकेंगे और भीम शत्रु पक्ष में बैठकर सेना संहार करेंगे। सात्विक भीम के सहायक होंगे। इसके अनुसार सामने अर्जुन का विशाल नंदी घोष रथ था, जिसकी ध्वजाएं प्रभात की वायु से मंद मंद लहराती हुई अपनी सेना को बढ़ने के इंगित से उत्साह कर रही थी। दाहिने भीम कुछ
कुछ पीछे सात्विक, बाएं धृष्टद्युम्न, पीछे सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, इन रथियों के पीछे श्वेतच्छ रथ पर महाराज युधिष्ठिर। दोनों ओर चतुरांगिनी सेना का व्यूह निवेश रच गया। हाथी, घोड़े, रथी और पदाधिकों की श्रृंखला से श्रृंखला मिल गई। सूर्योदय हुआ। भीष्म और धृष्टद्युम्न ने शंख ध्वनि से युद्ध की सूचना दी। अर्जुन के रथ की ओर रथ बढ़ाने के लिए भीष्म ने सारथी से कहा। दोनों पक्ष के अच्छे अच्छे योद्धा भीष्म और अर्जुन के कौशल देखने के लिए अपने अपने दल की सहायता से विचार से एकत्र हो गए। भीष्म और अर्जुन में घनघोर युद्ध छिड़ गया। इसी समय भीम कौरवों की सेना में बैठे और एक ओर से संहार करने लगे। उनकी गदा के प्रहार से बड़े बड़े हाथियों के मस्तक कुंभ की तरह फूटने लगे। एक एक वार में कितने ही पैदल काम आने लगे। पूरा एक पक्ष कमजोर पड़ गया। रथ, घोड़े, हाथी और पैदल अपने दूसरे पक्ष की ओर भागने लगे। इस समय भीष्म की उस तरफ निगाह गई। भीम को सेना नाश करते हुए देखकर उन्होंने इधर रथ बढ़ाने की आज्ञा दी। कौरवों के दूसरे रथियों ने बढ़कर अर्जुन को रोका। भीष्म ने पहुंचते ही भीम के पार्श्व रक्षकों के घोड़ों को मार डाला। ये देखकर सात्विक ने ऐसा तीर मारा कि भीष्म का सारथी गिर गया। सारथी के मरने से घोड़े भड़क कर रथ लेकर भाग चले। भीम सारथी के रथ पर आकर बैठे। भीष्म के अदृश्य होने पर कौरवों में हाहाकार मच गया। संध्या का समय था। अर्जुन और द्रोण ने शंख बजाकर युद्ध बंद किया। तीसरे दिन फिर युद्ध का प्रारंभ हुआ, पर पांडवों के सामने कौरवों की ना चली। इस दिन भी कौरवों की सेना को बड़ी क्षति पहुंची। यद्यपि भीष्म कम सेना संहार नहीं करते थे, फिर भी अधैर्य के कारण दुर्योधन को मालूम देता था कि पांडव प्रबल बढ़ रहे हैं और ऐसा क्रम रहा तो कौरवों की हार होगी। ग्लानी से भरकर रात्रि के समय वो भीष्म के शिविर में गया और उदास होकर कहने लगा, पितामह, पांडव युद्ध में जैसा पराक्रम दिखा रहे हैं उससे हमारी सेना को अधिक क्षति पहुंच रही है। आप पांडवों पर स्नेह करते हैं, इसीलिए जी लगाकर नहीं लड़ते। आप दिल से पांडवों की विजय चाहते हैं। महावीर भीष्म शुभ्ध हो उठे, बोले, दुर्योधन, तुमसे पहले ही हमने कह दिया था कि पांडव अजेय हैं। तुम एक दिन के कुछ सेना नाश से इतना घबराए, पर पांडव विपत्ति पर विपत्ति का सामना करते आए, जरा भी विचलित न हुए। उन्होंने अपार धैर्य प्राप्त किया है, साथ ही शिक्षा भी ग्रहण की है। फिर भी तुम इतने चिंतित ना हो, मैं तुम्हारे लिए यथासाध्य प्रयत्न करूंगा। प्रातःकाल फिर सेना निवेश होने लगा। महावीर भीष्म ने एक नए व्यूह की रचना की और अदम्य साहस से विपक्ष से लड़ने लगे। उनका सामना करना दुस्साध्य हो गया था। प्रखर तीर प्रबल वेग से निक्षिप्त होकर सर्पों की तरह पांडवों को दर्शन करने लगे। देखते देखते पांडवों की वाहिनी भगने लगी। बड़े बड़े रथी भीष्म के सामने न टिकने लगे। पांडव दल में हाहाकार मच गया। महावीर अर्जुन भी इसका कुछ प्रतिकार न कर सके। देखकर श्री कृष्ण से ना रहा गया, बढ़ावा देते हुए बोले, पार्थ, तुम क्या देखते हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी सेना की ये दशा हो रही है और तुम तस्वीर की तरह बैठे हुए भीष्म की ये दक्षता देख रहे हो। अगर ऐसा ही इसका जवाब तुमने नहीं दिया तो सेना का अनर्थकारी संहार होगा। जिस तरह भी हो भीष्म को रोको। श्री कृष्ण की उत्तेजनापूर्ण बातों में अर्जुन जैसे होश में आए। अब तक भीष्म का जैसा अपार समर कौशल देख रहे थे, गांडीव से कठोर टकार कर तीक्ष्ण शर योजित किए। पितामह की हस्तशालवता के आगे पार्थ जैसे अपनी क्षिप्रता भूल गए थे। देखते देखते विशाल गांडीव से लक्ष्य सिद्ध महारथ अर्जुन के तीक्ष्ण तीर छूट छूट कर भीष्म को चंचल करने लगे। पांडवों में नया जीवन लहराने लगा। अन्यायरथी अर्जुन की पार्श्व रक्षा के लिए बढ़ आए। कौरव हतबुद्धि होकर पार्थ का शरशेप देखने लगे। भीष्म के सहस्त्र प्रयत्न करने पर भी अर्जुन ने संध्या होते होते कौरवों की विशाल सेना का नाश कर डाला। अंत में भगवान भुवन भास्कर के अस्त होने पर दोनों तरफ के सेनापतियों ने शंखनाद करके उस दिन का समर समाप्त किया। संजय को व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो घर बैठे महाभारत युद्ध का महाराज धृतराष्ट्र से वर्णन करते थे। उत्तरोत्तर कौरवों की हार हो रही थी। सुनते सुनते महाराज धृतराष्ट्र एक दिन शुभ्ध हो गए। कहा, संजय, तुम ये क्या कह रहे हो? पांडव क्या लोहे के हैं और कौरव मोम के, जो युद्ध के जग में
ताप से पिघल पिघल कर बहे जा रहे हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा जैसे विश्व विजयी वीर हैं। कौरवों की सैन्य क्षमता पांडवों से ज्यादा है, फिर भी कौरव प्रतिदिन हारते जा रहे हैं। कहने को जरूर तुम पांडवों का पक्षपात करते हो। नहीं महाराज, संयत स्वर से संजय ने उत्तर दिया। पांडव तपस्वी होने के कारण बलवान पड़ते हैं, उनकी तरफ धर्म की शक्ति है।